हाय सो आज एक नए रोड ट्रिप के लिए मैं निकल रहा हूँ. आज का ट्रिप पुणे से गोवा के लिए होने वाला है. सो गोवा में एग्जैक्टली मैं वैगाटोर में जाने वाला हूँ. इट्स कॉल्ड लिटिल वैगाटोर. अभी तकरीबन 3:46 हुए हैं. 3:46 में अभी मैं घर से निकल रहा हूँ. और सबसे पहला काम ये मुझे करना है कि मेरे साथ साथ मेरा एक फ्रेंड भी जा रहा है, बहुत पुराना फ्रेंड है. उसको पिक करने मुझे पुणे एयरपोर्ट पे जाना है. हेलो नेटफ्लिक्स. अच्छा हेडफोन लगाया था, एयरप्लेन का नॉइज भी नहीं बदला, बस मस्त में. चेंज कर दिए, कभी इधर करते कभी उधर करते, कुछ पता ही नहीं चलता मुझे क्या कुछ. कोई चक्कर नहीं है, ऐसे ही होता भाई. इट्स अराउंड 6. फ्यूल लिया है और अभी कॉफ़ी लेने का टाइम है. तो थोड़ी कॉफ़ी लेते हैं और फिर हम अपनी जर्नी आगे कंटिन्यू करेंगे. सो आई थिंक जो ETA टाइम कोल्हापुर के लिए दिखा रहा है वो अराउंड 9 AM का है. और हार्डली वहाँ से आई थिंक 5 से 6 घंटे और लगने चाहिए जहाँ हमें गोवा में जाना है. सो अभी पुणे से बाहर निकले. सो ऑल वेल एंड गुड. सो जो भी ऐसा होगा आगे देखते हैं. ओके सो वी आर समवेयर, हम गोवा के रूट पे हैं और थोड़ी फोटोग्राफी सेशन अपने कार की और अपने सेल्फीज थोड़े बहुत. लोकेशन बहुत अच्छा है, आप देखो गोवा. यहाँ से आई थिंक हमारा डेस्टिनेशन अराउंड 150 किलोमीटर्स बचे हैं. सो इट विल टेक अराउंड 3 or 4 hours, आई डोंट नो. बट थोड़ा बहुत हम रिलैक्स माइंड से और इंजॉय करते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे. सो इन्जॉय. So we have taken a break at Amboli Ghat and having some Maggi. So it's still around an hour or an hour and a half hours left for our destination. अभी तक तो रोड बहुत बढ़िया है. हमने निपानी से अम्बोली होते हुए सावंतवाड़ी होते हुए गोवा के लिए ये रूट लिया है. सो अभी तक ये सुपर रूट है और आई प्रेफर कि जिसको भी अगर नॉर्थ गोवा के साइड जाना हो वो ये रूट सबसे बेस्ट है. सो फार ऑल गुड एंड वी आर गोइंग टू एंजॉय आवर मैगी. चलो सी या.
ये स्पीड गन लगा के बैठे थे कि जय चलान मार सके हमें को, मतलब हम पहले ही स्लो चला रहे हैं पूरे उसके ऊपर भी हम तो पूरे रास्ते वाले हम स्लो ही चलाए जा रहे हैं।